द नेम ऑफ द गेम, द नेम ऑफ द गेम एक idiom होता है, इसका मतलब क्या होता है? द मेन गोल और पर्पस ऑफ एन एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी कोई काम उसके पीछे जो मेन गोल होता है या पर्पस होता है, जो मेन उद्देश्य होता है, उसी को कहते हैं द नेम ऑफ द गेम। अगर आप प्लेयर हैं तो आपका मेन पर्पस क्या है? आपका पर्पस क्या है? जीतना। अब उसके और भी फायदे हैं, अगर आप प्लेयर हैं तो आपको आपका फेम होगा, आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन मेन पर्पस क्या है? जीतना। तो इफ़ यू आर ए प्लेयर, प्लेयर मीन्स प्रोफेशनल प्लेयर, इफ यू आर ए प्लेयर, विनिंग, विनिंग इज द नेम ऑफ द गेम। इफ यू आर ए प्लेयर, विनिंग इज द नेम ऑफ द गेम, द नेम ऑफ द गेम। इफ यू आर ए प्लेयर, विनिंग इज द नेम ऑफ द गेम। द नेम ऑफ द गेम का मतलब क्या हुआ? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना, द मेन पॉइंट। जीतने के अलावा अगर प्लेयर के रूप में आपको और फायदे मिलते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन आपका मेन पर्पस क्या है? जीतना। तो एक तो मतलब इसका ये है, दूसरा क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी नीडेड फॉर एन एक्टिविटी, कोई काम आपको अगर करना है तो उसके लिए जो सबसे ज़रूरी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए उसे भी कहते हैं द नेम ऑफ द गेम। इसी को ले ले, अगर आप प्लेयर हैं, इफ यू आर ए प्लेयर, या ऐसे ना लिखें, इन स्पोर्ट्स एक प्लेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? जीतना तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो बेसिक पर्पस होता है, लेकिन स्पोर्ट्स में जीतने के लिए क्या जरूरी होता है? एक तो क्वालिटी होना चाहिए जो भी खेल खेल रहे हैं आप उसका, दूसरा फिटनेस। तो इन स्पोर्ट्स फिटनेस इज द नेम ऑफ द गेम, फिटनेस इज द नेम ऑफ द गेम। मतलब स्पोर्ट्स में फिटनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है जो आपको चाहिए अगर आप स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं तो दो मतलब है, एक जो बेसिक पर्पस किसी भी एक्टिविटी का, और दूसरा उस पर्पस को पूरा करने के लिए जो एक्टिविटी है उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी चाहिए, वो दोनों को कहते हैं द नेम ऑफ द गेम। नेम ऑफ द गेम बोलते हैं लेकिन द हमेशा इसके आगे लग जाता है, इसलिए बेहतर है बोलना द नेम ऑफ द गेम। जैसे कुछ बोलता है ना कि हम ये काम कर रहे हैं समाज के लिए, लेकिन असल में वो पैसे के लिए करता है, या ऐसा कुछ अगर है तो आप क्या कहेंगे? या आप अपने लिए बोलना चाहें कुछ ऐसे लाइन्स कि मनी इज़ द नेम ऑफ द गेम, मनी इज द नेम ऑफ द गेम। अगर आप ये बार बार फोकस कर रहे हैं, बार बार ये बात कह रहे हैं मनी इज द नेम ऑफ द गेम, इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपका मेन पर्पस है जो भी आप काम कर रहे हैं उसके पीछे पैसा, मेन पर्पस आपका क्या है? पैसा है। आप उसे समाज सेवा कहें कुछ भी कहें, लेकिन पर्पस आपका क्या है? मनी। मनी इज द नेम ऑफ द गेम। इफ यू वॉन्ट टू बी एन एक्टर, ठीक है, अगर आपको एक्टर बनना है तो क्या चीज़ है जो द नेम ऑफ द गेम होगी? ठीक है, एक्टिंग सबसे पहले, ये स्किल जो है वो होना चाहिए एक्टर बनने के लिए। अब इन दिनों ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको एक्टिंग नहीं भी आती है, अगर आप देखने में अच्छे हैं या कोई और क्वालिटी है तो भी आप सक्सीड कर सकते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू बी एन एक्टर, गुड लुक्स इज द नेम ऑफ द गेम। मतलब अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो गुड लुक्स बहुत मायने रखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, होना चाहिए एक्टिंग। बहुत सारे सक्सेसफुल एक्टर्स हैं वो सिर्फ एक्टिंग के बलबूते हैं, तो उनके लिए क्या हुआ? एक्टिंग इज द नेम ऑफ द गेम। इफ़ यू